इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों का धरना प्रदर्शन का ये मामला सामने आया, जहां पर याचिकाकर्ता ऋषभ शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायर किया है। अब इस अर्जी में कहा गया है कि किसानों को बॉर्डर से हटाया जाए, रास्ता जाम कर प्रदर्शन करना शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के खिलाफ है। आपको बता दें कि प्रदर्शन और रास्ता जाम होने की वजह से हर रोज 3500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले अंतरिम आदेश में कहा था कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाया है। तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि ये प्रदर्शन शांत हो, रास्ता खुल जाए, क्योंकि रास्ता जाम और प्रदर्शन की वजह से रोज 3500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि किसान आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन इस आंदोलन की आड़ में किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कब्जा आप नहीं कर सकते। चलिए टिकरी बॉर्डर का रुख करेंगे। सुमित और नेहा मेरे सहयोगी मौजूद है वहां पर। नेहा, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए सोमवार को सुनवाई होनी है, उससे पहले जो ऋषभ शर्मा है जो याचिका करता है, पहली याचिका उन्हीं की ओर से लगाई गई थी और उन्होंने नया हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है और कहा है कि आपने तो कहा था, देखिए 17 दिसंबर को जब सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार है, प्रदर्शन जो है किसान कर सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं, और उसी टिप्पणी का हवाला दिया है याचिकाकर्ता ने और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपने तो कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए, ये प्रदर्शन के नाम पर क्या हो रहा है, बॉर्डर्स पे जो है एक तरह से धमकियां मिल रही हैं, एक तरह से मोबाइल टावर का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, 3500 करोड़ का जो है आर्थिक नुकसान देश में हो रहा है, तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट को शाहीन बाग का फैसला जो है वो तुरंत लागू कर देना चाहिए, प्रदर्शन के नाम पर सड़कों को बंधक नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी फैसले का हवाला जो है वो याचिकाकर्ता ने एक बार फिर से दिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द सड़कों को खुलवा देना चाहिए। और सबसे अहम बात, याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है नेहा कि जो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने की जो योजना है, उससे और भी स्थिति भयावह हो सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अब आदेश देना चाहिए, अब थोड़ी भी जो है वो देर नहीं करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। तो देखिए ये जो नया हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से नेहा दाखिल किया गया है, उस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, यानी कि पूरे मामले पर एक साथ सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा। तो ऐसे में इन तमाम जिस तरह से बदतमीजी हो रही है मीडिया के साथ, वो भी मसला जो है वो कोर्ट के सामने आएगा और सुप्रीम कोर्ट को अब इस मामले में जो है एक तरह से गुहार लगाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट अब शाहीन बाग का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उस फैसले को अब किसान आंदोलन में भी लागू किया जाए। नेहा, बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की लगातार नजर है इस आंदोलन पे, तभी सुप्रीम कोर्ट लगातार ये आदेश भी जारी कर रहा है कि अगर आंदोलन आप कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण रखिए, अगर देखिए आंदोलन आप कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण कीजिए, क्योंकि इससे आम जनता प्रभावित नहीं हो। हालांकि जहां भी हम जा रहे हैं, चाहे वो जिला बॉर्डर हो, चाहे सिंगू हो, चाहे गाजीपुर हो, कहीं भी जाओ, तो वहां अगर आम इंसान से आप बात करते हैं तो वो आपको सीधे और साफ शब्दों में बताता है कि किस तरीके से वो परेशान है, चाहे कोई दुकान वाला हो, ठेले वाला। देखिए नेहा, याचिकाकर्ता ने साफ तौर पर कहा कि देखिए लाखों लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, यानी कि साफ तौर पर देखिए जी हिंदुस्तान जो पहले दिन से इस कवरेज को कर रहा है और लगातार कह रहा है कि ये आंदोलन के नाम में असामाजिक तत्व घुस आए हैं, ये जो बात आई है वो एक तरह से इस बात को प्रमाणित करती है। चलेंगे सिंघू बॉर्डर जहां हितेन और अभिषेक बने हुए हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले हितेन, एक बड़ा अपडेट है, नया हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है और कहा गया है कि शाहीन बाग के फैसले को तुरंत लागू किया जाए। यहां हितेन, ओवर टू यू। बिल्कुल हितेन, ये बड़ी अच्छी बात है और सुप्रीम कोर्ट भी अब इस पर निगरानी रखे हुए है। एक कहावत है, वो आप भी जानते होंगे, कि कहा जाता है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं पर खत्म हो जाती है जहां पर आपकी स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता को हानि पहुंचे। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं आंदोलन करने के लिए, लेकिन इस आंदोलन की वजह से जो नुकसान हो रहा है 3500 करोड़ रुपए, और तमाम लोग जो रोज मुश्किलों का सामना करते हैं, उनकी भी तो अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार जिस तरीके से संज्ञान लेती जा रही है और लगातार अलग अलग याचिका पहुंच रही है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि देश की सर्वोच्च न्यायालय है कि जिस दिल्ली को बंधक ये बनाने की कोशिश कर रहे और उन्हीं गुंडों को समर्थन किस आदमी का मिल रहा है, इसी दिल्ली के मुख्यमंत्री का।
दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार यहाँ वाईफाई लगा रहे, अरविंद केजरीवाल यहाँ थोड़ी दूरी पर आते हैं, जो व्यवस्था उन्होंने की है वो उनका जायजा लेते। हालांकि सबसे पहले दिल्ली में कानून किसने लागू किया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लागू किया, एक परिपत्र जारी किया, उसके बाद जब ये सड़कों पर आ गए पंजाब से किसान, और तब आके ये अपना बिल फाड़ते और कहते कि ना जी ये तो कानूनी गलत है, हम तो किसानों के साथ है, ये राजनीति कर रहे। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भी संज्ञान लेना है कि ये अपनी राजनीतिक रोटियां, अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए ये खुद कहीं ना कहीं दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक, अब सोचिए, दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश सिर्फ किसान आंदोलन से शुरू नहीं हुआ था, इससे पहले जो शाहीन बाग में हुआ था और किसान आंदोलन के बाद न जाने अभी कितने ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की जाएगी। क्या दिल्ली वालों की क्या गलती है, या रहने वालों की क्या गलती है, यहाँ जो तमाम इंडस्ट्रीज चलती है उनकी क्या गलती है? क्या वो सिर्फ जाम देखने आए हैं? क्या वो सिर्फ ये आंदोलन देखने आए हैं? जिसका मन करे जब मन करे तब दिल्ली के बॉर्डर पर चलाए और यहाँ पर बंधक बना दे, कभी डीएनडी जाम हो जाता है, कभी तमाम वो बॉर्डर जाम हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल, ये हर तरह से गुंडई जो है हो रही है। गाजीपुर का रुख करते, प्रिया अनुराग भी हमारे सहयोगी सुबह से लगातार मौजूद है। प्रिया अनुराग, देखिए कहीं ना कहीं इस बात का भी संज्ञान बहुत जरूरी है कि ये तो गुंडई पर उतर चुके, लेकिन उन्हें समर्थन देने वाले खुद दिल्ली के मुखिया भी तो है, उन्हें ये प्रयास करना चाहिए ना कि भाई सड़क खाली करो हमारी। बिल्कुल ठीक कहा इतना आपने, बिल्कुल ठीक कहा। ये दरअसल सीजनल, जी 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 हितेन, दरअसल ये सीजनल पॉलिटिक्स का ही नतीजा है कि यहाँ पर तमाम लोगों को जो किसानों के बीच जाते हैं उन्हें समझाने की जरूरत थी कि देखिए आपको किसान कानून से अगर दिक्कत है, अगर आपकी उसके प्रावधानों से दिक्कत है तो आप उसके क्लॉस पर बात कीजिए, क्लॉस पर बात करते हुए संशोधन पर विचार कीजिए, आंदोलन खत्म करने के लिए अग्रसर होइए। लेकिन कुछ लोग जो थे वो राजनीति करना चाहते थे, राजनीति कर रहे थे, राजनीति हो रही है, और यही वजह है कि वहाँ पर आंदोलन खत्म होने की दिशा में कोई कदम किसानों की ओर से नहीं उठाया जा रहा। वो किसान जो आंदोलन को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और हुड़दंग कर रहे हैं, असल में उन्हीं को लेकर बड़ा सवाल। और जिस तरीके से जिक्र हमने किया कि क्या ये जो आंदोलन है वो शाहीन बाग की दिशा में जा रहा है, ये बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि किसानों को लेकर, किसानों के नाम को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है वो ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से परेशानियां हो रही है। मैं कहूंगा एक बार कि मेरे कैमरा पर्सन एक बार जरा वो बैरिकेडिंग्स भी दिखा दे। देखिए ये जरा ये वो फ्लाईओवर है जो जाता है सीधे तौर पर दिल्ली की ओर, लेकिन इसे जाम कर दिया गया, घूमते हुए लोगों को कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है और उसके बाद वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं जाहिर तौर पर उन्हें पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, और ये दरअसल तस्वीर है दिल्ली की, दिल्ली के बॉर्डर्स की, जहां पर लोगों को परेशानियां हो रही हैं, और खास तौर पर इसी पर ध्यान देने की जरूरत है। और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है वहां पर उन तमाम बातों को कहा गया है कि आप शाहीन बाग की इस पूरे किस्से को ध्यान में रखिए कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसे लेकर वर्डिक्ट दिया था, और उसके बाद उसे ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन के लिए भी दिशा दशा जो है वो तय की जाए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों वो लोग नहीं समझ रहे, क्योंकि अगर आंदोलन करना था, आंदोलन कर रहे हैं आप अपनी मांगों को लेकर, तो सरकार उन मांगों को लेकर लगातार विचार विमर्श कर रही है, और अगर सरकार उस पर विकल्प चाहती है तो आप लोग एक बात पर, एक हट धर्मिता पर क्यों अड़े हुए हैं? असल में सवाल इसी बात को लेकर। अच्छा, आंदोलन को लेकर अब जो याचिका दाखिल की गई है इसी आंदोलन को लेकर, उस याचिकाकर्ता ने यानी कि ऋषभ शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा, इस हलफनामे में क्या कुछ तर्क रखे गए हैं, बड़ी बातें आपको बता देते हैं। सड़क तुरंत खाली करवाई जाए, शाहीन बाग फैसले का पालन करवाया जाए, ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब दखल दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, लाखों लोगों को परेशानी हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि लाखों लोगों को परेशानी हो रही है, आने जाने और आजीविका कमाने के मौलिक अधिकार का यहाँ पर हनन हो रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करना चाहिए। पंजाब में देखिए मोबाइल टावर तोड़े गए, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की योजना है, लेकिन उससे ही पहले आपको कुछ ना कुछ कदम उठाने होंगे, ये याचिकाकर्ता की तरफ से बात रखी गई है। किसान आंदोलन जिसे 45 दिन हो चुके हैं, शाहीन बाग जैसे हालात ना बन जाए, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये जो हलफनामा दाखिल हुआ है उससे जुड़ी तमाम बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उसमें हलफनामे में कहा गया है कि सड़क तुरंत खाली करवाई जाए, क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है, शाहीन बाग फैसले का पालन करवाए सुप्रीम कोर्ट, और साथ ही लाखों लोगों को परेशानी हो रही है, आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही है। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि सुप्रीम कोर्ट इस आंदोलन पर हस्तक्षेप करे, क्योंकि तमाम बॉर्डर्स पर आप देखिए दिल्ली को चारों ओर से किस तरीके से घेर लिया गया है इस आंदोलन के नाम पर। और सुमित हमारे साथ मौजूद है। सुमित, वाकई अब एक ही विकल्प रह जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर अब इस आंदोलन पर एक्शन ले ताकि स्थिति अब सामान्य हो।
जी बिल्कुल, देखिए ये जो हलफनामा दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में अब से थोड़ी देर पहले, इस हलफनामे पे सोमवार को सुनवाई होगी। और देखिए जो ऋषभ शर्मा याचिकाकर्ता है उनकी ओर से वरिष्ठ वकील हरीश सालवे पेश होंगे, तो इन तमाम बातों को अच्छे ढंग से हरीश सालवे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, क्योंकि देखिए लाखों लोगों की आजीविका का सवाल जो है इस हलफनामे में उठाया गया है। और ये भी कहा गया है कि देखिए बंधक पूरी तरह से दिल्ली को बंधक बना लिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले में जो दिशा निर्देश जारी किया था उस दिशा निर्देश का पालन कराया जाए, क्योंकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई यानी कि जो 17 दिसंबर को पिछले साल 17 दिसंबर को जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है तो किसानों का हक है, वो किसानों का मौलिक अधिकार है। लेकिन अब याचिकाकर्ता ने हलफनामे में जो बातें कही है वो बेहद अहम हो जाती है इस लिहाज से, क्योंकि जिस तरह से 3500 करोड़ का जो आर्थिक नुकसान हो रहा है देश भर में उसका भी हवाला दिया गया है, और जैसे पंजाब में जिस तरह से टावरों को जो टारगेट किया जा रहा है उसका भी हवाला दिया गया है। तो याचिकाकर्ता ने यह सवाल उठाया है कि आपने तो कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो, लेकिन ये क्या हो रहा है प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ हो रही है। तो ये बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने अब याचिकाकर्ता ने उठा दी है, और हरीश सालवे जो है वो अब सोमवार को पैरवी करेंगे इस पूरे मामले में, तो देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ संज्ञान लेता है। रितिका ये देखना बेहद अहम होगा, तो बेहद है सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जो सुनवाई होनी है उससे पहले ये हलफनामा दाखिल हुआ है, ये बेहद अहम हो जाता है। चलेंगे अब सिंघू बॉर्डर जहां हितेन और अभिषेक लगातार बने हुए हैं। हितेन ये देखिए सुनवाई से पहले ये जो हलफनामा है वो बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि कोर्ट ने तो कहा था कि आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन याचिकाकर्ता ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि ये प्रदर्शन के नाम पर जो है तोड़फोड़ और गुंडागर्दी जो है वो एक तरह से मचाई जा रही है। हितेन अभिषेक ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल सुमित देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जब सोमवार को सुनवाई करेगा ना तो सारी बातों पर जो है एक ध्यान जरूर देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद ही संज्ञान ले रहा है। देखिए कोविड को लेकर किसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया था, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सीधे सरकार से पूछा कि क्या आपने दिशा निर्देश उन्हें कोई दिए, वहाँ एक दिशा निर्देश जारी करिए, धरना हो रहा है तो धरने में भी नियमों का पालन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो गुंडागर्दी पर उतर चुके हैं, ये जो गुंडई हो रही है, ये जो धमकाना हो रहा है, देश में जो अराजकता फैलाई जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट भी जो है आंदोलन के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपका मौलिक अधिकार है, और उसके बाद सरकार ने भी कहीं ना कहीं इनकी तारीफ की थी कि आपका आंदोलन शांतिपूर्ण तौर से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये अभिषेक सीधे गुंडई पर उतरे तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा फैसला लेना चाहिए। काल में जब दिल्ली सरकार की तरफ से लापरवाही बरती जा रही थी तो हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी कि भाई ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से जब अभी कोरोना का संकट है, अभी वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, वैक्सीन किसी को लगा नहीं है, देश के तमाम नागरिक रिस्क पर हैं, सरकार कुछ भी करके कैसे भी करके पूरे देश को बचा रही है, लॉकडाउन खोला गया है और फिर से हम लॉकडाउन के जाने की स्थिति में नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर इस तरीके का आंदोलन चलेगा जहां पर कोरोना के संकट के बीच कोई भी ऐसे सिक्योरिटीज मेजर्स नहीं लिए जाएंगे, अभिषेक आंदोलन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंदोलन की आड़ में अब गुंडागर्दी जो हो रही है ना उसी से देश को दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनका मकसद है कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली फिर एक बार जले। अनुराग का रुख करेंगे, गाजीपुर में सुबह से ग्राउंड जीरो पर तैनात है। अनुराग, इस मकसद को क्या सुप्रीम कोर्ट कामयाब होने देगा? बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायालय है, वहां से तो बिल्कुल क्लियरेंस नहीं मिलेगी, लेकिन देश का हर एक व्यक्ति जो इस खबर को देख रहा है, जो अब तक किसानों के आंदोलन में साथ था, वो भी इसे क्लियरेंस नहीं देगा, वो भी इसमें साथ नहीं देगा, वो भी ये नहीं कहेगा कि आप दिल्ली के बॉर्डर को सील करिए, वो भी ये बात नहीं कहेगा कि आप महिलाओं को छेड़िए, आप यहाँ पर उपद्रव कीजिए या खालिस्तान के नारे बुलंद कीजिए, वो भी ये नहीं कहेगा, गुंडागर्दी कीजिए, वो भी ये नहीं कहेगा। हर एक व्यक्ति यही कहेगा कि इस तरह की बातें जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बातें देश की साख पर भट्टा लगाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गुंडागर्दी हो रही है और विशुद्ध गुंडागर्दी हो रही है। इस गुंडागर्दी में आपने देखा किस तरीके से एक एक तस्वीर जी हिंदुस्तान ने सामने रखी, और इन तस्वीरों के जरिए ये आप समझ पाए कि कैसे वहां पर अराजक तत्व जो है पूरी तरह से सक्रिय हो गए, और उनकी सक्रियता देखिए, महिलाओं को छेड़ते हैं, हाथ उठाते हैं, और उन सब चीजों के बीच में इस आंदोलन को खत्म करने के लिए जो बातें कही जा रही हैं,
यानी सरकार की ओर से आप कह लीजिए या कानूनी पहलू के तौर पर जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है उसे भी कह लीजिए, ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इन तमाम बातों को किस तरीके से रखा जाता है। देखिए भूलना नहीं होगा, अब से कुछ दिन पहले तक ही शाहीन बाग का वो आंदोलन जिसे कोर्ट के दरवाजे तक ले जाया गया था और सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट या टिप्पणी कोई भूल नहीं सकता है, और ऐसे में इस आंदोलन की दिशा दशा जब उसी दिशा में उसी डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि इसमें भी कोर्ट जो है वो दखल करे और कोई ना कोई ऐसा निष्कर्ष जरूर निकले, क्योंकि जो लोग यहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो लोग यहां पर किसानों के नाम को बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो इन बातों को समझे कि किसान ये नहीं चाहता कि देश ब्लॉक हो, किसान ये नहीं चाहता कि देश की राजधानी ब्लॉक हो, ये नहीं चाहता कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च परेड निकाली जाए, ट्रैक्टरों की परेड निकाली जाए, क्योंकि देश की साख, देश की छवि इससे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या वहाँ पर किसी तरीके से असली किसान जो खास तौर पर आंदोलन में आए हुए थे, क्योंकि सरकार कह रही थी कोई ना कोई कंफ्यूजन है और उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी, वो किसी तरीके का स्टेप्स लेते, क्योंकि उनका इसमें आना बहुत जरूरी है। जो सुबह से हम सवाल पूछ रहे हैं दरअसल वो सवाल इसी बात को लेकर है कि जो अराजक तत्व इस आंदोलन में घुस चुके हैं, जो संख्या बढ़ाने के लिए घुसाए गए ये कह लीजिए, उन लोगों को लेकर जो किसान नेता जो अच्छी बातें कर रहे थे, जो अब तक दिखाने की कोशिश कर रही थी कि देखिए हम किस तरह से किसानों के हितैषी हैं, उन लोगों ने आखिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। और शायद यही वजह है कि आज पूरी तरह से आंदोलन जो है वो हाईजेक हो चुका है और उस हाईजेक्ट आंदोलन को खत्म करना बेहद जरूरी हो जाता है। टिकरी बॉर्डर का रुख करते नेहा और सुमित, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। नेहा, जिस तरीके से आंदोलन हाईजेक हो चुका है, अब जरूरी हो गया है इसे खत्म करवाया जाए कैसे भी करके, सरकार अपनी तरीके से कानूनी पहलू अगर इसमें कोई हो सकता है शाहीनबाग की तर्ज पर तो उस दिशा में भी। अब बिल्कुल देखिए अनुराग, सबसे अहम है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब बातें अब तक नहीं थी, क्योंकि 17 दिसंबर को जब सुनवाई हुई थी तो सरकार की ओर से कहा गया था कि अपनी मांग मंगवाने के लिए जो है सड़कों को बंधक नहीं बनाया जा सकता है, और ये बातें सरकार की ओर से कही गई थी। सरकार ने कहा था कि जल्द से जल्द जो है सड़कों को खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों का हक है, किसानों का अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण से अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका अधिकार बनता है। लेकिन अब इन्हीं बातों को याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताने की कोशिश की है। अपने हलफनामे में याचिकाकर्ता ने कहा है कि आपने कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसान कर सकते हैं, लेकिन ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर ये क्या हो रहा है? सुमित, मुझे लगता है कि बहुत शुरू से सुप्रीम कोर्ट लगातार नजर रख रही है इस आंदोलन पे, और नजर ही नहीं बल्कि हर एक बार चेतावनी भी इस आंदोलन के तमाम जुड़े हुए लोगों को तक दी है कि अगर आंदोलन आप कर रहे हैं शांतिपूर्ण कीजिए, आम लोग उससे प्रभावित ना हो। हालांकि अब जो स्थिति बन गई उससे सीधे और साफ कोई भी ये कह सकता है कि आम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। दिल्ली की आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। देखिए 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम आदेश नहीं दे सकते हैं, हम बिना किसानों को सुने आदेश नहीं दे सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। लेकिन अब याचिकाकर्ता ने यह बता दिया कि देखिए अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर ये क्या हो रहा है, देखिए मोबाइल टावरों को तोड़ा जा रहा है, गुंडागर्दी हो रही है। तो ये बातें जो है अब सुप्रीम कोर्ट के सामने संज्ञान में याचिकाकर्ता ने लाने की कोशिश की है। और देखिए देश के सबसे बड़े वकील जो है हरीश सालवे, वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट के सामने रखेंगे, और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये तमाम बातें आएंगी तो कोर्ट भी समझेगा कि ये क्या हो रहा है। हमने तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को कहा था, सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो और जल्दी से जल्दी खास तौर पे जिससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा उन इलाकों को खास तौर पे खाली कराया जाए। और हालांकि लगातार सरकार की तरफ से ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही थी कि आप एक स्पेसिफिक जगह पे आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने उसे भी चुकरा। हितेन मैं आपका रुख करूंगी, सरकार लगातार इन्हें वो जगह पे मुहैया करा रही थी जहां आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे, किसानों ने उस जगह को भी ठुकराया था, लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली के आम लोग प्रभावित हो रहे हैं उससे तो साफ तौर पे ये होता है कि जल्दी से जल्दी उन इलाकों को खाली कराना चाहिए जिससे आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल नेहा, देखिए सरकार लाख प्रयास कर चुकी है लेकिन ये जाएंगे क्यों, इनका तो मकसद ही है दिल्ली के लोगों को परेशान करना, देश के लोगों को परेशान करना, गुंडे ही करना, पत्रकारों के साथ मारपीट करना, महिला पत्रकारों के साथ छेड़छाड़ करना। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से कुछ राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन को हाईजेक करके यहाँ किसानों की आड़ में जो नकली किसान पहुँचा दिए है ना, उनके जरिए सरकार को सबसे बड़ी मुसीबत में डालना, सरकार को हिलाना, सरकार को गिराना। देखिए एक सुर में पूरा विपक्ष बयान दे रहा है। कल का अगर राहुल गांधी का ट्वीट अगर आप देखेंगे ना,
तो जो मीटिंग के बाद जो ट्वीट मिली, ट्वीट राहुल गांधी ने किया था, हालांकि देश में नहीं है, विदेश में है, नए साल की छुट्टियां मना रहे राहुल गांधी, लेकिन विदेश में बैठकर भी यहां पर अपने लोगों को वो बरगलाने का काम कर रहे कि नहीं सब शांत कैसे हो रहा है, आप फिर एक ठंडा कैसे हो रहा है, इसको गर्म करिए, माहौल को गर्म करिए, अरे लोग शांति से क्यों जी रहे, शांति से मत जिए, ये इस तरह की हरकत कर रहे। देखिए वाम दल के नेता आनंद मोल्ला खुली चुनौती दे रहे सरकार को, सही बात है, कुछ भी हो जाए, सही बात है। और सोचने वाली बात यह है ना कि तमाम ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता भी इस किसान आंदोलन का हिस्सा हो गए हैं जो किसान है ही नहीं और अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो सीधे तौर पर विषय पर किसी कानून पर सरकार से ना राज्यसभा में ना लोकसभा में अंदर बातचीत नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं लड़ सकते, मुद्दे पर बातचीत नहीं कर सकते, डिबेट में अपनी बात नहीं रख सकते, अब वो इस आंदोलन का फायदा उठाकर देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, लोगों को बरगलाना चाहते हैं। अरे आपको, अरे मैं बस ये कहूंगा हितन, क्या देश क्या 130 करोड़ जनता मूर्ख है, उसको नहीं पता है कि क्या चल रहा है और क्या दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी से गाजीपुर का रुख करते हैं जहां प्रिया और अनुराग सुबह से मौजूद है। देखिए ये वोट बैंक की राजनीति में ये सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे, ये देश में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे, क्या कैसे किस तरीके से थमेगा प्रिया और अनुराग ये? नहीं हितेन, देखिए राजनीति तो होती आई है, ये सालों से होती आई है और इसमें कभी भी कोई राजनीतिक पार्टी पीछे नहीं रही है, लेकिन इस बार देखिए कौन मोहरा बन रहा है, मोहरा दरअसल किसान बन रहे, और ये किसान दरअसल इतनी आसानी से लग रहा है विपक्षी पार्टियों को कि उन्हें बरगला लेंगे, उन्हें हाईजैक कर लेंगे और उसके बाद उनकी मंशा पूरी हो जाएगी। जरा देखिए जब भी बातचीत का दौर चलता है या बातचीत की कवायदें शुरू होती हैं, किस तरीके से विपक्षी पार्टियां या तो ट्वीट के जरिए या खुद बॉर्डर पर पहुंचकर उसमें सेंधमारी करने की कोशिश करती हैं, और ये विपक्षी दल जो खुले मंच से अब तक किसानों की बात नहीं कर पाए, क्या किसानों के बीच जाकर इस आंदोलन को खत्म करने की बात कर सकते हैं प्रिया? यही सवाल है सबसे बड़ा। बिल्कुल, देखिए अनुराग, यही चीज हम उठाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं और यही बता रहे हैं कि किस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में अराजक तत्व जो हैं वो अपनी मंशा को यहाँ हवा दे रहे हैं और कैसे किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। जब इस तरीके की तस्वीरें किसान आंदोलन से निकल करके सामने जाएंगी तो सवाल तो खड़े होंगे लाजमी। जो तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी वो हम देश को दिखाएंगे, क्योंकि देखिए ये किसान आंदोलन है, इस देश का अन्नदाता परेशान है, सड़कों पर बैठा है और ऐसी तस्वीरें ऐसी हरकतें इस किसान आंदोलन से सामने आ रही है, ये गुंडागर्दी पे उतारू हो गए ये लोग। बिल्कुल, और चूंकि मामला राष्ट्र से जुड़ा हुआ है और हम हमेशा राष्ट्र की बात करते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे प्रिया, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम हर तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे जिन तस्वीरों के जरिए देश की जनता ये समझ पाएगी कि देखिए देश हित की बात कहां हो रही है, देखिए देश के हित में क्या किया जा रहा है, कौन सा आंदोलन जो है वो बरगलाने के लिए किया जा रहा है, कौन सा आंदोलन आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जा रहा है। और इस आंदोलन की बात की जाए तो यहां पर सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये हाईजैक हो चुका है और इसीलिए इसका बायकॉट करना जरूरी है, जरूरी है कि इसमें कदम उठाया जाए, कार्रवाइयां की जाए प्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए ये तस्वीर एक एक करके हम दिखा रहे हैं और जरूरी है कि इन लोगों की आवाज को नहीं नहीं आगे तक पहुंचाना है और इनकी आवाज तो कभी भी बनना ही नहीं है, क्योंकि किस तरीके से आवाज उठा रहे हैं ये हमने देखा, ये देश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, ये आतंकवादियों की रिहाई के नारेबाजी कर रहे हैं, मंच में जब ये जाते हैं तो कैसे जहर उगलते हैं, भाषणबाजी करते हैं और कैसे इस देश की छवि को खराब करने की कोशिश इनके द्वारा की जाती है, ये तस्वीरें हम लगातार उठाते हैं और इसीलिए फिर सर्टिफिकेट भी लेकर के ये लोग आ जाते हैं। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, पत्रकारों का विरोध करते करते भूल जाते हैं जो इनके बीच में मौजूद है वो सबसे पहले एक महिला है और उसका भी विरोध करते हैं ये लोग, और किस तरीके से बिल्कुल देखिए प्रिया, सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है वो बता दे पहले, राजधानी दिल्ली में 10 बत्तखों की मौत हुई है, दिल्ली के संजय झील में मरी मिली है 10 बत्तख, वेटरनरी डॉक्टर्स की टीम सैंपल लेने पहुंच चुकी है। और आज ही सुबह 7 कौओं की भी मौत हुई थी, तो देखिए यहां पर बर्ड फ्लू का जो ये केसेस है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अब खबर सामने आ रही है कि राजधानी दिल्ली में 10 बत्तखों की मौत हुई है, इससे पहले 7 कौओं की मौत की खबर सामने आई थी और अब वेटरनरी डॉक्टर्स की पूरी टीम सैंपल लेने पहुंच चुकी है और सैंपल के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उसी रिपोर्ट के आधार पर औपचारिक तौर पर कहा जा सकता है कि क्या वाकई बर्ड फ्लू की वजह से इन बत्तखों की मौत हुई है। लेकिन देश भर में जिस तरीके से बत्तखों के बर्ड फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसके बाद अब इस पर रोकथाम करने की तैयारी भी चल रही है। तो देखिए लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान। हाँ
हाँ हितेन, लगातार 46 दिन से हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं और लगातार आपको जो स्थिति यहाँ की दिखाई दे रही है वो बड़ी एक तरीके से चिंताजनक हो गई है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब चिंता जताई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और आपको क्या लगता है कि क्या फैसला आने वाला है? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं एक कड़ा फैसला ले सकता है, क्योंकि लगातार अलग अलग तरीके से अपील की जा रही है। कल तो कृषि मंत्री खुद बोल चुके कि सुप्रीम कोर्ट से अब उम्मीद है कि इनकी जीत तोड़ी जा सके। इन्हें पहले तो पहुंचे थे किसान बनके, लेकिन अब ये नेता बनके राजनीति कर रहे और देश को हिलाने की, दिल्ली को दहलाने की एक साजिश रची जा रही है। गुंडागर्दी की हद पार कर दी है। कहीं ना कहीं हर किसी को, देश के हर एक नागरिक को उम्मीद है कि आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ही जो है इस आंदोलन को खत्म करा सकता है, क्योंकि जब आंदोलन शुरू हुआ था तब यह आंदोलन किसानों का था, लेकिन अब यह आंदोलन हाईजेक हो चुका है। अब यह आंदोलन नकली किसानों का बन चुका है, जो खुद को किसान बताकर महिला पत्रकारों से छेड़छाड़ करते, पत्रकारों के साथ मारपीट करते और सरकार को खुलेआम चेतावनी देते। और आप भाषा देखिए ना, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, तमाम वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है जिसका संवैधानिक एक पद है, उसका किस तरीके से ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उस पद को लेकर किस तरीके की बकवास बातें की जा रही है, वो बात भी बिल्कुल उचित नहीं है। क्योंकि अगर आप इस देश में है, इस देश के संविधान को मानते हैं और संविधान ने अगर आपको सुरक्षित कर रखा है और संविधान ने आप ही ने मत देकर चुना है इस और संविधान ही आपको ये राइट देता है कि आप ये कर रहे हैं, जो कर रहे हैं संविधान के तहत ही कर रहे हैं ना। और आप आजादी की बात कर रहे हैं, कितनी और आजादी चाहिए, आप इतने आजादी से खुले मंच से जो है हर किसी को। तो आप सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।